बिहारी महतो। 23 सितंबर 1923, बड़ा दाहा गांव, बलियापुर, धनबाद की मेरी धरती पर जन्मा विनोद बिहारी महतो। मंदाकिनी देवी के गर्भ से महिंदी महतो के आंगन में झारखंडी संघर्ष का साक्षी, घनघोर अंधेरे में निकट सवेरे का साक्षी हमारा सूर्य विनोद बिहारी महतो। गरीबी में भी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बलियापुर से लेकर हाई स्कूल झरिया डीएवी और धनबाद हाई स्कूल इंग्लिश स्कूल से किया। दुरूह 15 किलोमीटर पैदल जंगल पार कर शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा विनोद ने 1941 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की। गरीबी का दंश झेलते हुए परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धनबाद कचहरी और सप्लाई विभाग में काम किया। पीके राय मेमोरियल कॉलेज कतरास धनबाद से इंटर और रांची कॉलेज रांची से बीए की डिग्री लेकर 1955 में पटना लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री लेकर 1956 से धनबाद जिला कचहरी में वकालत शुरू किया। हमारी धरती पर जन्मे झारखंड के इस वीर सपूत ने धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, पलामू सहित समूचे झारखंड में शोषित, पीड़ित, वंचित जनता के हक और हकूक की कानूनी लड़ाई लड़ी। औद्योगिक विकास के नाम पर, बड़े बांधों के निर्माण के नाम पर विस्थापित किसान, मजदूर, आदिवासी, सदावासी, धरती पुत्रों की आंतरिक उपनिवेशवादी शोषण के जरिए छीनी गई जमीन का उचित मुआवजा दिलाने का काम किया एडवोकेट विनोद बिहारी महतो ने। पढ़ो पढ़ाई पढ़ने को और लड़ो लड़ाई लड़ने को। तत्कालीन झारखंडी समाज में तिलक दहेज, बाल विवाह, बहु विवाह, शराबखोरी, नशाखोरी, सूदखोरी, सामंतवाद, जमींदार शोषण, मुखियागिरी के खिलाफ सीधी लड़ाई, सीधे आंदोलन की बुनियाद रखी विनोद बाबू ने। शिवाजी समाज का गठन कर छत्रपति शिवाजी को आदर्श मानकर शिथिल, उदास, शोषित, दलित हमारे पुत्रों में नई ऊर्जा, नई जान फूंकने वाले समाज सुधारक थे विनोद बिहारी महतो। पूरी कौम को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाकू कौम के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया विनोद बाबू ने। दिन, महीने, वर्ष बीते, कालांतर में शिवाजी समाज झारखंड आंदोलन की रीढ़ बना। विनोद बाबू समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। उनकी नीयत कथनी और करनी सच्ची और साफ थी। समाज के दबे कुचले लोग, वंचित जातियां, शोषित दलित पिछड़े लोग सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करें, कैसे अपनी माली हालत सुधारें, उत्पादक वर्ग को कैसे उनका अधिकार मिले, यही मूलभूत प्रश्न था उनके सामने। सूदखोर, महाजन, गरीब आदिवासियों तथा अन्य गरीब लोगों की जमीन ले लेते थे और उन्हें बंधुआ मजदूर बना डालते। विनोद बाबू ने धन कटनी का आंदोलन शुरू किया। जिसकी जमीन वही जोते, फसल पर उसका ही हक। जिन्हें बदलाव चाहिए उन्हें नेतृत्व प्रदान करना होगा। विनोद बिहारी महतो ने जुझारू नौजवानों को तलाश किया, फिर उन्हें तराशा और नेतृत्व का अवसर दिया। इनकी छत्र छाया में झारखंड क्षेत्र के और कोयलांचल के कई नेता मजदूर संगठन के नेता बन पे। कामरेड एके राय, कामरेड आनंद महतो, शिवू सोरेन, शैलेंद्र महतो, कृष्णा मार्टी, भाई होलेंड कुजूर, शिवा महतो, टेकलाल महतो, अर्जुन राम महतो, के एस चटर्जी, हारू रजवार, शहीद सदानंद झा, अमर शहीद शक्तिनाथ महतो, अमर शहीद निर्मल महतो। अपने अनुभव के आधार पर विनोद बाबू ने देखा कि अलग झारखंड राज्य का आंदोलन आदिवासी भाइयों के आंदोलन के रूप में ही देखा जाता रहा है। सन 1936 के राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इसी कारण अलग राज्य की मांग को ठुकरा दिया था। झारखंड आंदोलन में नए सिरे से जान डाली विनोद बिहारी महतो ने। उन्होंने झारखंड आंदोलन को व्यापक बनाया, इसके सामाजिक राजनीतिक आयाम को विस्तृत किया। सदान, मजदूर, किसान, बाहर से आए बुद्धिजीवियों और आम जनता का समर्थन लेकर शोषण मुक्त झारखंडी राष्ट्रीयता का आंदोलन खड़ा किया। इसी का परिणाम था कि झारखंडी नामधारी पार्टियों तथा अन्य झारखंड समर्थक राजनीतिक दलों, संगठनों, संस्थाओं, समाज सुधारक संगठनों, कलाकारों को एक मंच पर लाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया, जिसमे कुल 52 संगठनों ने भाग लेकर झारखंड अलग राज्य के संघर्ष का शंखनाद किया। संघर्ष के इस दौर में ही जननायक विनोद बाबू ने छात्र और युवा शक्ति को सलाम किया। उनकी प्रेरणा और मनोबल से ही इतिहास ने करवट बदली और पहली बार एक स्वतंत्र छात्र संगठन के तौर पर दस्तक दिया आजसू ने, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। वो ऐतिहासिक दिन था 22 जून 1986, युवा सैलाब जिसने झारखंड की फिजाओं में अपने रंग और तेवर बदलने शुरू किए।
सुदेश महतो, प्रभाकर तिर्की, देवशरण भगत, हरिशंकर महतो, विनोद भगत, सूरज सिंह बेसरा इत्यादि कितने नाम अनाम युवा नेताओं में नेतृत्व की क्षमता विकसित किया शहीद निर्मल महतो के माध्यम से विनोद बाबू ने। तवारिख के पन्ने का वह काला दिन मुझे याद आ रहा है जब हमारा वीर सपूत शहीद हो गया। 8 अगस्त सन 1987 जननायक निर्मल महतो साजिश के शिकार हुए। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई जमशेदपुर में। पूरे 3 दिन तक जमशेदपुर की जिंदगी को आजसू ने बर्फ बना दिया। झारखंड आंदोलन के मसीहा विनोद बाबू की आंखें नम हो गई, मर्माहत हो गए, किंतु शरीर मरता है, विचार और आदर्श नहीं। हमारे पुरखे मांगते रहे हक, अलग राज्य, सरकार ऊंघती रही, राज्य की भी केंद्र की भी। नए तेवर के साथ 15 नवंबर 1988 को तत्कालीन बिहार सरकार के प्रतिरोध के बावजूद रांची के मोरहाबादी मैदान में विनोद बाबू ने अलग राज्य का बिगुल फूंक दिया। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, जन सैलाब के आगे सरकार झुक गई और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कमेटी ऑन झारखंड मैटर गठित कर विनोद बाबू सहित सभी आंदोलनकारी नेताओं को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। विनोद बाबू के काटी तर्कों के आगे समिति ने अलग राज्य की मांग को सही माना और अप्रत्यक्ष रूप से अलग राज्य की मांग पर सहमति दे दी। इस बीच विनोद बाबू 10वीं लोकसभा के लिए गिरिडीह लोकसभा से चुनाव में विजयी हुए। मई 1991 में वे दिल्ली पहुंच गए। अलग राज्य का सपना अब पूरा होने वाला ही था, किंतु ये क्या, विधि के विधान को कौन टाल सकता है। नियति कुछ और ही थी। लोकसभा पहुंचने के 6 महीने बाद ही जननायक विनोद बाबू नहीं रहे। दुखदाई दिन था। 18 दिसंबर 1991 की स्याह रात, हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। समूचा झारखंड मौन, शोक की लहर में डूब गया। विनोद बाबू ने कभी झारखंड आंदोलन से समझौता नहीं किया। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के इस मसीहा के संघर्ष गाथा को शत शत नमन। शरीर मरता है, आत्मा नहीं, विचार नहीं, मसीहा का आदर्श, दृष्टि और दर्शन नहीं। हम सबने मांगा था अलग राज्य, हमें मिला। हमारे हम सबके जीवन में एक देवदूत बनकर हमारे अलग राज्य के सपनों का मसीहा विनोद बाबू आए। सेल्फ मेड कमिटेड आइडियोलॉजी की सीख देकर दिवंगत हो गए। उनकी पुण्यतिथि पर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आजसू पार्टी के हम सब उन्हें शत शत नमन करते हैं।